हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेटिव यात्री। तो आज हम आए हैं राजस्थान की हसीन वादियों में। यहाँ पे हम आज कवर करेंगे सालसर वाला जी को और खाटू श्याम और अंत में अंजनी महादेव। तो आइए शुरू करते हैं इस सफ़र को आप और हम। इस सुंदर से डेस्टिनेशन में हम रुके थे अपने ब्रेकफास्ट के लिए और यहाँ से आगे चले जाएंगे हम सालसर बालाजी। फाइनली हम लोग पहुँचे सालसर बालाजी के मंदिर। सालसर बालाजी का मंदिर भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। ये राजस्थान के चुरू ज़िले में पड़ता है और जयपुर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। साल भर यहाँ पर बहुत से भक्त हनुमान जी के दर्शनों के लिए आते रहते हैं। हर वर्ष यहाँ पर चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा के समय मेलों का आयोजन भी होता है, जिस पे बहुत से लोग भी आते रहते हैं। ये एकमात्र बालाजी का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर बालाजी की मूर्ति पे दाढ़ी और मूछें हैं, बाकी सारे के नीचे। तो सालसर जो मंदिर है उसकी जो देख रेख है वो श्री हनुमान सेवा समिति द्वारा की जाती है, जो यहाँ पर लंगर और धर्मशालाएं इत्यादि का प्रबंध बहुत अच्छे से संभाल रही है। सालसर बालाजी के मंदिर जो है वो सालसर के बिल्कुल ठीक बीच में स्थित है और यहाँ की जो सबसे बड़ी मान्यता है वो ये है कि यहाँ पर नारियल बांधने से भगवान बालाजी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो आपकी और मेरी भी सारी इच्छाएं पूरी हो, इसके लिए एक बार जयकारा लगाते हैं। बोलो भगवान बालाजी की जय। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, यहां साल भर रश रहता है, तो आप भी श्रद्धालुओं की ये लाइव लाइंस देख सकते हैं किस तरह से लंबी लंबी कतारों में लग करके भगवान बालाजी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लगे हैं और श्रद्धा की कोई कमी नहीं। लंबी लंबी लाइनों और कतारों को क्रॉस करने के बाद हम फाइनली पहुंचे उस स्टेज तक जहां पे जो कतार थी वो एक सिंगल लाइन हो गई और अब लग रहा था गर्भगृह बहुत पास आ रहा है। एंड फाइनली हम लोग पहुँचे दरबार के एकदम सामने और बस कुछ ही दूरी पे थे हमसे बालाजी। तो आइए करते हैं दर्शन बालाजी महाराज के। बोलो सालसर बालाजी महाराज की जय। तो फाइनली बालाजी महाराज के दरबार से हमने ली एग्जिट और निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। तो आइए चलते हैं। और हमारी अगली डेस्टिनेशन है खाटू श्याम। पौराणिक मान्यता के हिसाब से खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान से वरदान प्राप्त किया था कि वो कलयुग में श्याम के रूप में पूजे जाएंगे। तो एट प्रेजेंट खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर ज़िले में ही है। एक कथा के अनुसार एक गाय जहाँ पर आजकल खाटू श्याम जी का मंदिर है वहाँ पे रोज़ अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः ही बहा के चली जाती थी। बाद में जब वहाँ पे खुदाई की गई तो वहाँ पे एक शीश प्रकट हुआ
उसके साथ ही एक ब्राह्मण को जो है वो स्वप्न आया कि ये जो हैं वो खाटू श्याम जी हैं। तो उसके बाद वो ब्राह्मण राजा के पास गया और भवन निर्माण करवाया गया। तो जो भवन निर्माण था वो 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा करवाया गया। तो इसी दिन कार्तिक मास की एकादशी थी और इसी दिन से बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया भी जाता है। तो बोलिए भगवान खाटू श्याम की जय। बहुत ही सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान खाटू श्याम जी की आरती का एक हिस्सा बनने का, और जिसे मैंने आपके साथ भी साझा किया, और ये पल बहुत ही अविस्मरणीय था और एक मेमोरेबल डे मैं कह सकता हूँ अपनी ज़िंदगी का। और अब हम पहुँच गए हैं गर्भगृह के बहुत ही नज़दीक और होने वाले हैं भगवान खाटू श्याम जी के दर्शन। तो आइए और करते हैं भगवान खाटू श्याम जी के मूर्ति के मनमोहक दर्शन। खाटू श्याम के गर्भगृह के दर्शनों के बाद हम चले मार्केट एक्सप्लोर करने। मार्केट से हमने परचेज़ किया कुछ प्रसाद इत्यादि जो हम घर जा कर के अपने और अपने पड़ोसियों के साथ वितरित करेंगे और निकल पड़े अपनी आगे की डेस्टिनेशन के लिए। आशा करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अभी तक पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एक और सुंदर डेस्टिनेशन मिली हमें, वो थी मंदिर माता अंजनी देवी जी का। तो आइए करते हैं एक्सप्लोर माता अंजनी देवी जी का ये धाम। यहाँ से ऊपर चढ़ के है महादेव जी का मंदिर, तो देखते हैं महादेव जी को और करते हैं एक्सप्लोर। साथ ही आप ऊपर से देख सकते हैं यहाँ मंदिर परिषद के चारों तरफ के नज़ारे और सामने भव्य त्रिशूल, और बिल्कुल इसके ठीक सामने अंजनी देवी जी के मंदिर के सामने बैठे हैं मेरे महादेव। भगवान शंकर और माँ पार्वती के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको दर्शन करवाता हूँ मंदिर परिषद में रखी कुछ और मूर्तियों से। और ये वो मूर्ति है जहाँ पे भगवान श्री राम रामेश्वर धाम की स्थापना कर भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं। रामेश्वर धाम की मनोहर झांकी के बाद नीचे उतरते ही चारों तरफ ये बाग बहुत ही सुंदर लग रहा है, और इस बाग में स्थापित मीराबाई की मूर्ति और भी सुंदर लग रही है।
और ये वो झांकी जहां हनुमान जी माँ सीता से अशोक वाटिका में मिले हैं। श्री राम धुन का जाप करते भगवान हनुमान एवं अन्य वानरगण। और ये वो दृश्य जहां पर श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को करड़ी में बिठा करके चार धामों की यात्रा करवाता है, बहुत ही सुंदर। माता अंजनी के प्रवेश द्वार के ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे रखी हुई भगवान केसरी की मूर्ति भी है। केसरी जी भगवान हनुमान के पिता हैं। तो आइए करते हैं दर्शन माँ अंजनी के। और मंदिर परिसर में जैसे ही हम प्रवेश करेंगे तो माँ अंजनी की गोद में आपको भगवान हनुमान जी भी दिखाई देंगे। दर्शन करने के एकदम बाद हमें दर्शन हुए आइसक्रीम खाते हनुमान जी के। अंतः अस्ति प्रारंभः, इसी मूल मंत्र के साथ अंत करते हैं आज अपने ब्लॉग का यहीं पर ही। होप आप सभी को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के और भी एंटरटेनिंग ब्लॉग्स आपके साथ और भी आते रहेंगे। प्लीज़ कीप वॉचिंग नेटिव यात्री। तब तक के लिए हर हर गंगे, जय महादेव।